किन्नौर जिला के जंगी स्थित खरी गोनपा में बौद्ध धर्म गुरु नवम खामटोल रिमोचे ने वज्र पानी का अभिषेक किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायियों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। किन्नौर जिले के जंगी गांव स्थित खरी गोनपा में बौद्ध अनुयायियों को नवम खामटोल रिम्बोचे ने वज्रपाणी तांत्रिक अभिषेक प्रदान किया। बौद्ध अनुयायियों का मानना है कि इस अभिषेक से मानव प्राणी को नाग दोष से छुटकारा मिलता है। इस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए परंपरावादी बौद्ध भिक्षुओं समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस दौरान नवम खामटोल रिम्बोचे की अगुवाई में खामटोल मठ के सिद्ध आचार्य व किन्नौर सोमंग दुपका शक्तिपीठ के अवतारी सोमंग टुलकू की उपस्थिति में गुरु युलगल टुलकू के परिनिर्माण स्थल खरी में स्मारक स्तूप का भी प्रतिष्ठाभिषेक किया गया। इससे पूर्व हिमाचल के कृषि एवं जनजातीय मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे ने बौद्ध धर्म गुरुओं की उपस्थिति में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से खरी में बनने वाले जांगदोंग पालरी पुस्तकालय का भी शिलान्यास किया। 3 दिनों तक तपोस्थल खरी में चले धार्मिक आयोजन में वज्रपाणी अभिषेक के अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अनुष्ठान के दौरान जंगी गांव के देवता भी अपने देवलुओं समेत शरीक हुए और लोगों को आशीर्वाद दिया। आयोजक भगत सिंह ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से प्राणी जगत को विभिन्न नाग से संबंधित दोषों से मुक्ति मिलती है। मानव जाति के अंदर या समस्त प्राणियों को जिस तरीके से दुख तकलीफ या क्लेश या इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में रहती है, उन सारे समस्याओं के निवारण करने के लिए, उनके समाधान करने के लिए जो ये अभिषेक यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो अभिषेक है वो नाग जाति के जो जितने दोष या उनसे जो भी मनुष्यों को तकलीफ होती है या जो नाग शक्ति के द्वारा जिस तरीके से लोगों को समस्याएँ आती है, उन सारे समस्याओं के समाधान के लिए एक तांत्रिक विधि विधान के ऊपर ऐसा एक अभिषेक का प्रावधान बौद्ध महायान शास्त्र में है। तो जिसके मुख्य प्रवर्तक गुरु बुद्ध वज्रपाणी जी थे, उनके उपदेश के आधार पर आज परम पूजनीय खामटोल रिम्पोचे जी जो डुक्पा का जो परंपरा के 9वें अवतारी बौद्ध शीर्ष गुरु हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर ये अभिषेक सारे लोगों को प्रदान किया जाएगा। एक किस्म से ये बौद्ध परंपरा में महायान परंपरा में विशेष तौर पर जो डुकवा का जो परंपरा है उसके अंदर इस तरीके से अभिषेक का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। खास तौर पर जो मानव जाति है और उसके साथ साथ और जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के कल्याण के लिए इस तरीके से बौद्ध परंपराओं में अभिषेक प्रदान करना, उनका समाधान करना, उनका निवारण करना, समस्त जीव जंतु और मानव जाति को कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ करना और एक सत्य मार्ग दिखा करके उनको सारे गृह कलेश से, दुख से, पाप से, ऐसे आवरण से मुक्त करने का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान ऐसे अभी। वहीं बज्रयान मोनेस्ट्री के महासचिव लामा विद्यासागर ने बताया कि इससे विश्व शांति बनी रहती है और इस तरह के आयोजन प्राणी कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिटी चैनल के लिए किन्नौर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।